वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। और ये 4 बजे का भी टाइम है, तीज का दिन है, भोर है। और अभी सर्गी के लिए उठे हम लोग, और नॉर्मल लैंग्वेज में सरगई बोलते हैं। तो वही चल रहा है खाने का, तो इस टाइम पे जो खाना है खा सकते हैं, कोशिश कीजिए। करते हैं कि पानी वानी ज़्यादा पिए, नारियल पानी, ताकि प्यास ना लगे, और किशमिश वगैरह। और देखते हैं क्या क्या खाएंगे, सब शेयर करूँगी। टाइमिंग दिखाती हूँ, 4 बजे उठे हैं सब लोग। ये बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिएगा। तो ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, तीज का ब्लॉग। तो अभी यहाँ पे भाभी बादाम छिल रही है। रात में ही भिगोने के लिए रखा गया था किशमिश और बादाम। किशमिश खाने से भी प्यास नहीं लगती है। मम्मी भी उठ गई है, साथ में ग्लूकोन डी को भी पानी में घोलकर पीने वाले हैं सब लोग, ताकि प्यास ना लगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगा पूरे दिन। और जितना हो सके ठंडी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। साथ में नारियल पानी। अभी ये फ्रिज वाला देखिए, इनका मेहंदी भाई जी थोड़ा थोड़ा कंजूसी से भी प्यार करता है, और थोड़ा थोड़ा दिल खोल के भी प्यार करता है। इधर भी वही हाल है। साथ में खाने वाले हैं रसगुल्ले, ताकि जैसे रसगुल्ला में छीना होता है ना, प्रोटीन मिल जाएगा तो ताकत बनता है और अच्छा रहता है, तो वो भी खाया जाएगा, सब लोग खाएंगे। तो ये बड़ा पीस वाला रसगुल्ला मम्मी लेकर आई है। ऑप्शंस तो बहुत है खाने के लिए, लेकिन सुबह 4 बजे खाया जाएगा, तब तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। 11 बजे तो खाना खाकर सोए, रात को खाना तो ऐसे ही लग रहा है पेट में घूम रहा है, तो कहाँ खाएँ कहाँ एडजस्ट करें, ऐसा हो गया है वो। अभी जितना हो सके उतना पानी पिएंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इस गर्मी ज़्यादा हो रही है। हाँ तो चलिए देखते हैं कितना हो पाता है। आप लोग भी शेयर कीजिएगा आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, क्या होता है। तो ये देखिए रसगुल्ले का रस निकाला जा रहा है। पानी लेकर बैठे हुए हैं दोनों। खाने वाने के बाद सब कुछ जो दिखाया आप लोगों को, चाय पिया, फिर जाकर सो गए बिंदास। अभी उठे हैं 8 बजे, भैया तो चला गया ऑफिस, और उसके बाद सिर्फ उसका ही खाना बनेगा, बट वो टिफ़िन वगैरह जो बाहर से ही कर लेगा, मतलब रेस्टोरेंट से मंगा कर खा लेगा, क्योंकि कुकिंग वगैरह में भी भूख लगती है, सॉरी प्यास लग जाती है, तो ऐसा होता है। और अभी से हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा मोटा काम करेंगे, ताकि माइंड डाइवर्ट हो और प्यास कम लगे, भूख कम लगे। उसके बाद फिर नहाएंगे, जब पंडित जी के आने का टाइम होगा उससे थोड़ी देर पहले नहाएंगे, और फिर तैयार वैर होंगे। तो यही सब है, अभी बैठी हूँ, वही देख रही हूँ क्या क्या काम कर सकते हैं। सोफा के गद्दा से ये दोनों मिलकर घर बनाया है। ये अवनी को दिखाती हूँ, बिल में छुपी हुई है। कहाँ गई अवनी? हम घर बनाए हैं, पैक कर दो अपने को। सामान आया है नीडी ब्यूटी पार्लर से, आया नहीं एक्चुअली उसने जो लिया था, तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये है लहठी, पूरा दिखाती हूँ आप लोगों को। और साथ में अंकल ने लहठी वाला जो बॉक्स है वो हमें दिया फ्री में, चलिए ओपन किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है ये वाला मेरा है और ये वाला भाभी का है, तो ये वाला ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें है लहठी है, सिंदूर है, और ये वाला जो लहठी है वो अंकल ने ऐसे गिफ्ट दिया मुझे, और ये वाला लहठी और ये वाला भाभी खरीदी वहाँ पे, पसंद आ गया था तो ये वाला लिया। फिर ये है सिंदूर,
उसके बाद है नेल पेंट है, इसमें दो कलर पिंक है और एक ऑरेंज है। फिर कुछ क्लचर है, ये देखिए 7 रुपीज़ का ये क्लचर है। उसके बाद ये एक इयररिंग है, ये लिया, ये 100 रुपीज़ का है इयररिंग। के बाद बिंदी है और नेल पेंट है, 3 नेल पेंट है। और मैं आजकल लोटस का ही सिंदूर यूज़ कर रही हूँ, तो वो है। तो ये बॉक्स भाभी की तरफ से है, तीज स्पेशल। उसके बाद एक ये बॉक्स है, ये भाभी का है, जिसमें दिखाती हूँ, उन्होंने क्लचर लिए हैं, ये क्लचर लिए हैं ऐसे वाले 3 कलर में, ये वाला। उसके बाद नेल पेंट है, उसके बाद ये वाला लेटी और ये वाला लेटी सेम है, ठीक है। ये भाभी की मम्मी ने दिया है भाभी को, और ये भाभी की मम्मी ने मुझे दिया है ये वाला लेटी। उसके बाद ये वाला लेटी जो है वो मैंने दिया है भाभी को तीज पे। उसके बाद इसमें भी ये लेटी, ये लेटी है, तो ये भाभी के मम्मी की तरफ से आया है। सो फ्रेंड्स, अभी नहा कर आई हूँ, 2 बज रहे हैं, पंडित जी 4 बजे आने वाले हैं, तो अभी नहाए हैं हम लोग ताकि बॉडी थोड़ा सा हाइड्रेट रहे। पता नहीं कैसे पूरा दिन निकलेगा, अभी तक तो फिलहाल निकल गया है। तभी नहाने के बाद बैठी हूँ, और अभी ये नोज़ वाला जो है ना, ये मैंने नोज़ पिन जो पहना था बहुत मुश्किल से ओपन हुआ है। तभी यहाँ पे महावर लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ, और थोड़ा सा आधा अधूरा है। रीज़न है कि मैंने सोचा कि चलो ये वाला हटाकर पहनूं इस बार नख में, तो वो है। और ये जो साड़ी है, इसका ब्लाउज़ मैंने नहीं बनवाया था, तो ये वाला जो रेडीमेड ब्लाउज़ है वो इसके साथ इतने अच्छे से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर भी मैंने पहना है। ये देखिए बांदरी की साड़ी, और ये फिर गोल्ड की ज्वेलरी। इस बार मैं 5 उंगलियों में बिछिया पहनी हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत इरिटेशन हो रहा था, लेकिन चलो अच्छा लग रहा था। ये अंगूठे वाला जो है वो भैया भाभी ने राखी पे दिया था, और ये रहा पाजेब। साथ में मैचिंग में मैंने चूड़ी ली थी, नासिक में ही ली थी, वेलवेट की चूड़ी, और वो गोल्डन है बीच में। और ये वाला जो है फ़ोटो वाला लहठी, वो भैया भाभी ने दिया था राखी पे, तो वो पहनी हूँ, जिसमें रोहित और ज्योति लिखा हुआ है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सेंटर में पहना है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल होता है ना। ओम भगवान श्री शाम सदा शिवाय नमः, हाय नमः, ओम नमो, ओम भगवान श्री शाम सदा शिवाय नमः, ओम चंद्रम समर्पयामि, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय शिवतराय च, ओम सर्वोपचारि गंधार्थं पुष्पपैच, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम समीपद्राणि समर्पयामि भगवान श्री शाम सदा शिवाय नमः। नैवेद्य आदि जप करो, ओम नाभ्यायासी दाम तादि च भगो अरुचा जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत यज्ञ किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि भारत वर्ष के उत्तर में उत्तर की बड़ा सा रमणीक और पर्वतों में
नामक उसके आस पास तरह तरह की भूमिया तरह तरह के वृक्ष नाना प्रकार के पक्षी नाना प्रकार के पक्षी निवास करते हैं और पशु निवास करते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्व के साथ बहुत से देवता लोग सिद्ध उच्चारण करते हैं। पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी जमी के घर चली गए। हो गया और अभी यहाँ पे चल रहे हैं कपास्टिंग, बातें शाते चल रही है, हालत सबका डाउन है एक्सेप्ट ये पीली साड़ी वाले। और एक इधर देखिए, इधर ये पानी पी पी के ललचा रहा है। इनका फास्ट नहीं है, इनका है छवि भाभी का, चकाचक लग रही है, खिली खिली। सब लोग जा रहे हैं बाहर फोटो खिंचवाने। ये देखिए क्या ये दान का सामान, कल दीजिएगा ठीक, कल देंगे, कल दिया जाएगा दान का सामान। अभी जा रहे फोटो खिंचवाने बाहर में वेपर लाइट के नीचे। और मैंने कुछ इस तरीके से जूड़ा बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बट थोड़ा घाई में हो गया तो पता नहीं कैसा लग रहा है, आप लोग ही कमेंट करके बता। हम लोग वेपर लाइट की लालच में बाहर चले तो गए पिक क्लिक करने, क्लिक भी हुआ बट एक भी पिक अच्छा नहीं आया, हमारा घर का बल्ब बुरा मान गया। फिर घर में ही आके पिक क्लिक किए गए और सच में घर वाला पिक ज़्यादा अच्छा आया, तो अंडर एस्टिमेट ना करें घर के सिनेरियो को हमारी तरह। और अगर आप लोग चाहिए बोलेंगे तो लास्ट ईयर के पिक आप लोग से शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग बहुत ही लेंदी हो रहा है तो ब्लॉग को ये वाइंड अप करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो भी बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ देखिएगा। और किसी भी मोमेंट पर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज स्पेशल ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा। और ये वाला पिक देखिए जिसमें भैया भाभी का ये वाला फ़ोटो है, सच में आशीर्वाद दे रहा है या फ़ोटो वाला आशीर्वाद दे रहा है, वो दोनों जान। वैसे तीज वाले दिन और एनिवर्सरी वाले दिन हस्बैंड को प्रणाम करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।